नमस्कार, घटना चक्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। हर रोज की तरह कुछ खास मुद्दे, कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ और आज बात करेंगे जिस तरीके से आज एक छापा पड़ा 39 जगहों पे, आपको बता दें। और कर्नाटक के मंत्री जो हैं उनके खिलाफ ये छापा मारा गया, डीके शिवकुमार जो कि कर्नाटक में ऊर्जा मंत्री हैं, और उसके बाद उस जगह पर भी छापा मारा गया जहां गुजरात के तमाम विधायकों को रखा गया है। उसको लेकर के लोकसभा से राज्यसभा तक हर जगह पर हंगामा देखने को मिला और ये कहा गया कि हर तरीके से कोशिश ये की जा रही है सिर्फ एक राज्यसभा सीट को जीतने के लिए। साम दाम दंड भेद पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार इस पर जो है तमाम विभागों का इस्तेमाल कर रही है। इन्हीं तमाम पहलुओं में बातचीत करते हैं और क्या कुछ स्थिति है, लेकिन आज जिस तरीके का हंगामा हुआ, जरा कुछ एक बयान जो है वो हम आपको सुनाते हैं। सबसे पहले वित्त मंत्री की तरफ से क्या कुछ कहा गया लोकसभा में, वो सुनिए। इनकम टैक्स के लोग, इनकम टैक्स के अधिकारी, प्लीज आप इनकम टैक्स के, प्लीज आप सुन लीजिए। सुनिए तो सही, पूरा सुनना पड़ेगा। मिस्टर सुरेश, के सुरेश बेटे, पूरा सुनना पड़ेगा। इनकम टैक्स के अधिकारी, इसलिए उनका स्टेटमेंट लेना और उनको वहां से अपने घर ले जाना केवल इस पर्पस के लिए रिजोर्ट में गए। जब वहां पहुंचे तो व्यक्ति वहां पर कागज फाड़ रहे थे, वो फटे हुए कागज भी और जो डॉक्यूमेंट्स फाड़ रहे थे वो भी पंचनामा में रिकवर हुए। उनको वहां से लेकर उनके घर पे चले गए। आज इस वक्त वहां पर कोई इनकम टैक्स का अधिकारी नहीं है। ये रेड 39 अन्य स्थानों पर चल रही है। इसको गुजरात के किसी चुनाव के साथ मत जोड़िए, इसको केवल आर्थिक अपराध के साथ जोड़िए। लोकसभा में अरुण जेटली ने यह कहा और उसके अलावा आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पुरजोर तरीके से लोकसभा में भी आवाज़ उठाई, बाहर भी निकले और बाहर भी उन्होंने केंद्र सरकार पर अपना गुस्सा निकाला। क्या कुछ कहा गया बाहर निकलने के बाद, वो सुनिए। रिसोर्ट उसके कॉन्स्टिट्यूंसी में है, अगर आपको रेड करना भी था क्या आज ही करना था? 15 दिन पहले कर सकते थे, 15 दिन बाद में कर सकते थे। उसका घर बेंगलुरु में है, उसका घर कनकपुर में है, लेकिन रिसोर्ट में क्या है? कोई भी रेड करते हैं तो इसका मतलब है कि चुनाव के दृष्टि से डिमोरलाइज करने के लिए ये किया गया है और उसको फंसाने के लिए ये सारी चीजें हो गई है। तो इसीलिए बीजेपी जो कह रही है वो अपने हिसाब से कह रही है, लेकिन ये सब झूठ है। जो कुछ हो रहा है चुनाव के दृष्टि से वो लोग कर रहे हैं। तो लोकसभा की स्थिति क्या रही हमने आपको बताया, अब जरा राज्यसभा के अंदर क्या कुछ कहा गया आनंद शर्मा और गुलाम नबी आजाद की तरफ से, वो भी सुन लीजिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन, चाहे वो विधानसभा के हों, लोकसभा के हों, राज्यसभा के हों, फ्री होने चाहिए, फेयर होने चाहिए एंड विदाउट फेयर होने चाहिए, बगैर डर। लेकिन इस राज्यसभा में जो अभी हो रहा है यहां तीनों चीजें लागू नहीं हो रही है। फ्री भी नहीं हो रहे, फेयर भी नहीं हो रहे और डर और भय का माहौल जो पहले एक स्टेट में था अब वो वेस्ट से साउथ पहुंच गया। वेस्ट में हमारे एमएलएज, उनका अपहरण हो रहा था, किडनैपिंग की कोशिश की गई, सारे तरीके इस्तेमाल हुए। और जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक रीजन से दूसरे रीजन में वेस्ट से साउथ लिए गए और ये भय और खौफ और ये डर और अनफेयर प्रैक्टिसेस उनका पीछा वहां तक कर रहे हैं। आई विल से विद ड्यू रिस्पेक्ट, इट इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली अ ट्रेंड टू ब्रेज अब्यूज स्टेट पावर एंड द एजेंसीज ऑफ द स्टेट, वेदर इट्स द एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, वेदर इट इज द आईटी और वेदर इट इज द सीबीआई। नाउ द टाइमिंग इज important and significant and the place, because it is this minister
who was coordinating the safety and security. There is a search on 39 locations, not on this resort, since he voluntarily chose to park himself in the resort. Timing. They were duty bound to get him from there. If there were any issues. And mind you, whether it's a use or an abuse will depend on the nature of recoveries. Sir, it won't depend on where he has parked himself. I'm not getting into that area. If there were issues, there are ways the agencies function, whether the notices are given, whether the person has done something which is violative of law. But the time, the place, the venue, but more important, it is this minister who, and the purpose, this everybody knows, it's in public domain, that the minister and his brother, who is an elected representative, have been coordinating the safety and the stay of the Gujarat MLAs. That's why it is a targeted timing. چلے تمام خاص مہمان ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اس وشے پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ شکیل الزمان انصاری صاحب موجود ہیں کانگریس پارٹی کا پکش رکھنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پشپین کرشیز جی ورشٹھ پترکار اپین پرساد جی ورشٹھ پترکار ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ سونی چوپڑا جی موجود ہیں سی پی ایم کا پکش رکھنے کے لیے ہمارے ساتھ دلیپ کے سنگھ جی موجود ہیں ورشٹھ پترکار اور گروپ ایڈیٹر جین ٹی وی کے آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے سب سے پہلے شکیل صاحب آپ سے ہی شروعات کرنا چاہیں گے اگر ایک ویکتی جو کی منتری بھی ہیں ڈی سی کمار صاحب اور وہ اگر ریزورٹ میں چھپنے کا یا جانے کا جو بھی کسی کارن وش ہو گئے ہوں یا پھر ان کے اوپر ایسا کہا گیا کہ آو بھگت کی ذمہ داری ان کے اوپر ہی تھی اگر وہاں پر تھے اور اگر وہاں پر چھاپا پڑتا ہے تو اس بات کو گجرات سے جوڑنا کتنا صحیح کتنا غلط آپ مان رہے ہیں کیونکہ آج لوگ سبھا میں راج سبھا میں باہر بھی آج جم کر کے جو آج کانگریس کی طرف سے کہا گیا کہ سام دام دند بھیج سب کچھ آج مایا جا رہا ہے صرف ایک راج سبھا کی سیٹ کے لیے دیکھیں جو قیاس کیا جا رہا تھا پہلے کہ اس دیش میں جو اب سرکار اور ستہ جس طرح سے ایکٹ کر رہی ہے اور جس طرح سے یہ ہٹلرزم کی ٹریننگ لے کے یہاں ان ہندوستان پر راج کرنے کا سپنا دیکھ رہے ہیں اب وہ دکھائی پڑ رہا ہے صاف صاف دکھائی پڑ رہا ہے کہ ان کی ایگو اتنی ہے کہ ایک سیٹ بھی کوئی پارٹی اپنے نمبر کے بیس پر بھی نہیں جیت سکے اس کو بھی ہم توڑ لیں گے اور اس کے لیے سلسلہ وار پروگرام بنائیں گے پورا پورا کھیل کھیلیں گے اور پہلے کسی کو توڑنے کی کسی کو کوشش پگیلا کو وہاں توڑنے کی کوشش کی گئی ان کے بیٹے کو لالچ دے کر کہ بڑا پد دیا جائے گا ان کو گورنر بنایا جائے گا ان کو توڑا گیا پھر ایم ایل اے کو توڑنے کی کوشش کی گئی پھر ایم ایل اے کو کڈنیپ کرنے کی کوشش کی گئی ایم ایل اے اس کو پبلک ڈومین میں ہے کہ آفر کیا گیا 15-15 کروڑ روپے اور توڑنے کا پریاس کیا گیا تو جان بچا کے جو ایم ایل اے کرناٹک میں چونکہ کانگریس کی سرکار تھی ان کو پروٹیکشن کے لیے وہاں گئے اور ریسورٹ میں ٹھہرے تھے اور ڈی کے سیو کمار جو پرانے کانگریس کے لیڈر ہیں ابھی منسٹر ہیں وہ دیکھ ریکھ کر رہے تھے اس لیے ان کے ہاں ریڈ کیا گیا تو آج تو آج تو کیش بھی کافی برآمد ہوا کیش کیسے برآمد ہوا وہ آنے دیجئے نا ریکارڈ آنے دیجئے تب پتا لگے گا کہ کیش کون لے کے گیا تھا اور کیسے کیش برآمد ہوا اور کیش کا فائنل کیا ہوتا ہے یہ تو یہ ہے کہ ڈرا رہے ہیں دھمکا رہے ہیں ودھائکوں کو کہ تم پہنچو گے تو تمہارے خلاف ریڈ ہوگا یہ ہوگا ریسورٹ کے اندر ان کو جانے کی کیا ضرورت جب 39 جگہوں پر ریڈ کر رہے تھے تو ریسورٹ میں جانے کے لیے انکم ٹیکس افسر کو کیا ضرورت جو آروپی تھا جس کے خلاف ریڈ نہیں آروپی نہیں ہے نا ابھی آپ آروپی کیسے آروپی ابھی کوئی طے نہیں ہوا ہے آروپ بھی نہیں ہے کوئی کمپلین بھی نہیں تھا آپ تو ایک ایک شروع کیا ہے آج کاروائی ریٹ سے سیدھا شروع کیا ہے کوئی آروپی تو تھا نہیں انکم ٹیکس میں پہلے نوٹس تو دیا نہیں تھا کیا فلاں تاریخ کو آئیے اپنے بارے میں بتا دیجئے جانکاری دیجئے جتنا الگھن ہندوستان کے قانون کا ہو سکتا ہے وہ سارے الگھن کر کے اب اس دیش کو ایک بہت بڑا خطرہ جب ایک سیٹ کوئی چھوڑنا نہیں چاہ رہا ہے جو ایک آدمی ایک پارٹی اب لگتا ہے کہ اس دیش میں ڈیموکریسی کو زندہ رکھنا ایک بہت بڑا کٹھن اور بہت بڑا سنگھرش کا کارکرم بن گیا دلیپ جی آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ ابھی جو تمام باتیں کہی گئیں تمام کانگریس کے نیتاؤں کو بھی ہم سن رہے تھے شکیل صاحب نے بھی انہی باتوں کو لگ بھگ رکھا ہے اب تک کانگریس پارٹی پر یہ الزام لگتا تھا کہ وہ تمام جب ان کی کیندر میں سرکار رہی کہ وہ اپنی ایجنسیوں کا غلط طریقے سے استعمال کر رہی ہیں آج کانگریس پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہٹلرزم ہو گیا ہے اور تمام ایجنسیوں سے کہ ذریعے کڈنیپنگ ہو رہی ہے مارنے کی دھمکی دی جا رہی ہے کیسے دیکھ رہے ہیں یہ جو پورا آج کا گھٹنا کرم رہا
नहीं, जो शकील साहब बोल रहे थे उन्हें सिर्फ याद दिलवाना चाहता हूं कि जितना दिन वो सत्ता में रहे, उनकी पार्टी सत्ता में रही, और विपक्ष जो आज सत्ता में है उनके तरफ से क्या आरोप लगते थे? क्या सीबीआई का, इनकम टैक्स का, ईडी का दुरुपयोग का आरोप उनके ऊपर नहीं लगा है? क्या यूपीए 2 और यूपीए 1 में कई सारे सहयोग, कई सारे सहयोगी दल उन्हें उसी आधार पे नहीं मिला है जिसका कि जिसे लोग सीबीआई और इनकम टैक्स कहते हैं, ईडी कहते हैं? कई सारे राजनेता ने आज भी, जो ऑफ रिकॉर्ड वो बात करते हैं, शकील साहब खुद मंत्री रह चुके हैं, खुद वरिष्ठ नेता भी हैं, वो जानते हैं कि देश में ये तमाम जो अथॉरिटीज है उनका समय समय पे सरकार ने किस तरह से दुरुपयोग किया है। अलग अलग सरकारें, चाहे राज्य में जिनके पास जो है, चाहे केंद्र में जिसके पास जो है, ये आरोप कोई नई बात नहीं है। लेकिन मुश्किल इस बात को लेके है कि जब शकील साहब ये कह रहे हैं कि इतने दिल से जब आरोप लग रहे थे तब लोकतंत्र खतरे में नहीं था, आज तो शकील साहब ने लोकतंत्र को खतरे में बता दिया। तो जो ये जो दो पैमाना है, ये शकील साहब ही बेहतर बता सकते हैं। जी, एक सेकंड। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप बताइए कि जब आपके दौरान ये चीजें होती थी तब लोकतंत्र खतरे में नहीं था, और जब आज आप आरोप लगा रहे हैं तो आप कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में है। तो क्या आप देश के लोगों को, देश के जो तमाम नागरिक हैं उनको ये मानते हैं कि उनके पास कोई किसी भी तरह की कोई सोच नहीं है, वो देख नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं? आपको कम से कम एक लाइन तो खींचना चाहिए। ठीक है, आपके राजनीतिक विरोधी हैं, आप उस पर तमाम ये करिए, लेकिन आप लोग जो आपको देख रहे हैं उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा कि आप क्या कह रहे हैं और इसको लोग कैसे देखेंगे। दिलीप जी, एक बात कहना चाहता हूं आपसे बड़ी अदब के साथ। आपने बता दिया इल्ज़ाम और ये और वो, आप बताइए जिन लोगों ने कहा था, आरोप लगाया था, उनकी 3 साल से सरकार है, सीबीआई को कितनी सहायता दिया उन्होंने? अगर इल्ज़ाम ही की बात है, इन्होंने तो बड़े इल्ज़ाम लगाए थे, 3 साल में क्या किया? मान लीजिए कि अगर हम गलत कर रहे थे तो वो सारे इंस्ट्रूमेंट इन्होंने बरकरार रखे हैं ना गलत करने के लिए, वो आपके खिलाफ। और सवाल ये नहीं है, उस वक्त सीबीआई ने कांग्रेस के मंत्री, यूपीए सरकार के मंत्रियों के खिलाफ भी कार्रवाई की थी। आज तो मंत्री बोलते हैं कि ये यूपीए नहीं है, यहां एनडीए के मंत्रियों के खिलाफ नहीं कार्रवाई होगा, वेपन पर नहीं होगा, कितने केसेस उजागर हुए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगा। लेकिन राज्यसभा के, अगर मान लीजिए कि उनके इनकम टैक्स में अगर वो खेरे हुए, एक सेकंड, हम अपनी बात खत्म कर दे रहे हैं, एक सेकंड में खत्म कर रहा हूं। अगर मान लीजिए बीच में रोक कुमार को इनकम टैक्स में कोई हिसाब में थे, 4 दिन पहले, 10 दिन पहले या 4 दिन पहले में, बाद में भी रेट करके उनके सारे हिसाब किताब दुरुस्त कर लेने में कोई दिक्कत तो नहीं थी? आपको मैं खाली एक चीज याद करवा देना चाहता हूं कि सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी या जो भ्रष्टाचार के जो खुलासे हुए थे और उस पर जो कार्रवाई हुई थी वो कोर्ट के आदेश के बाद हुआ था, कांग्रेस पार्टी की सरकार में, यूपीए की सरकार में, सिर्फ यूपीए 2 की सरकार। आपको याद इसलिए दिलवा रहा हूं कि आप अगर दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं और उसका जवाब तो जो सरकार में लोग बैठे वो देंगे, लेकिन जब आप तथ्यों के नजर से देखेंगे, जो तथ्य है वो बिल्कुल अलग है। और वो ये तथ्य है कि जब आपके सरकार के समय में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे तो लोग कोर्ट से जाके लोगों ने कार्रवाई को इंश्योर करवाया था, ना कि सरकार ने कार्रवाई इंश्योर की थी। नहीं, बहुत सारे चोपड़ा हुए। चोपड़ा साहब से पूछ लेते हैं। चोपड़ा साहब, इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देख रहे हैं? लंबे समय तक आप कांग्रेस के विरोधी रहे, सीबीआई और तमाम चीजों को लेकर आप पहले सवाल उठाते रहे हैं, अब आपकी सिंपैथी थोड़ी सी कांग्रेस पार्टी के साथ है, आज के घटनाक्रम पर आपका व्यू? नहीं, सिंपैथी नहीं, हम, आप समझ लो, हम किसी भी एक राज्यसभा सीट के भूखे नहीं हैं। अभी आपने सीताराम येचुरी का केस देखा, सीपीएम, हम इस तरह से इस गंदगी को हिंदुस्तान से मिटाने को तैयार हैं। ये जनतंत्र का विरोध है, ये जनतंत्र को खत्म करने की एक गंदी साजिश है, और इस साजिश को हम पूरी तरह से जनता में मुकाबला करेंगे। दूसरी चीज, आपके अपने मंत्री हैं इनके बीजेपी के, उन्होंने कैसे 42 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड ले रखी है, आदिवासियों को बेजमीन कर दिया है, उनके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा है। जनार्दन रेड्डी ने
500 करोड़ की शादी कराई थी नोटबंदी के दौरान, मोदी साहब सो रहे थे उस वक्त, क्यों नहीं उनके खिलाफ कुछ उठाया गया? तो ये लोग गंदी राजनीति कर रहे हैं जिसका विरोध करना पड़ेगा। 60 साल में पहली बार होगा जब पश्चिम बंगाल से कोई भी वाम दल का नेता राज्यसभा नहीं पहुंचेगा, ये दुख देता है आपको? तो कोई दुखदायक नहीं है, सवाल ये है पहुंचेगा तो अपने बल पे पहुंचेगा, 15 करोड़ की पैसा दे के नहीं पहुंचेगा। चलिए ठीक ठीक, पुष्पेन जी, इसमें आज वित्त मंत्री की तरफ से जो सफाई दी गई वो हम सबने सुनी। उन्होंने कहा गया कि 39 जगहों पे छापे मारे गए और वहां पे रिजॉर्ट में सिर्फ इस वजह से छापे मारे गए क्योंकि डीसी कुमार उस समय रिजॉर्ट में थे और उसके अलावा ना बाकी विधायकों के साथ कोई पूछताछ हुई ना ही कोई सर्च ऑफ जो है की गई उनके रूम। ये तो झूठ है, पूछताछ हुई है, उन्होंने अपने आप कहा है। ठीक है, जो वित्त मंत्री ने बोला मैंने इसीलिए बोला, वित्त मंत्री बेचारे कुछ भी कहते रहे। पुष्पेन जी आप बताइए। देखिए वित्त मंत्री ने जो कहा है और वो संसद में कहा है, अगर उसमें संसद में बहुत झूठ बोलेंगे अभी तक। आपका आप हो गया भाषण को रहने दें जी। नहीं, भाषण हो गया आपका तो ठीक है। वित्त मंत्री ने संसद में कहा है और वित्त मंत्री की ना तो मैं पार्टी को बिलोंग करता हूं ना वित्त मंत्री से मेरा कोई संबंध है, लेकिन वित्त मंत्री ने अगर उसमें झूठ बोला है तो जितने भी वहां सदस्य हैं उनको उसमें मानहानि बन सकती है उनकी। लेकिन जो अभी लंबा चौड़ा भाषण और जो शकील साहब ने बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल किया, देश में हिटलर शाही और उधर से आया जनतंत्र, यानी ऐसे ऐसे शब्द निकाले गए, लग रहा था कि इस देश में कुछ लोग इतने पाक दामन हैं कि शब्द सिर्फ उन्हीं के लिए बने हैं। इस देश में वो क्या हो रहा है, ईडी उस पे रेड डाल रही है, वो गुजरात का मामला है, वो राज्यसभा का मामला है, वो सबको कल परसों निकल के बाहर आ जाएगा, 2-3 दिन की बात है। लेकिन इस देश ने, पूरे देश ने खुल्लम खुल्ला देखा कि कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने कैसे सरकार बचाने के लिए एमपी खरीदे थे और तमाम वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का पूरा मामला चला, कैसे हर्षद मेहता ने वो सूट, वो देश ने टेलीविजन पर देखा है, उसमें कहीं बताने की जरूरत नहीं है, और कैसे एनटीआर को दिल्ली में अपने एमएलएस को लाकर के सड़क पे जो है परेड करानी पड़ी। और मैं बार बार एक बात कह रहा हूं जिसे शायद बार बार इग्नोर किया जा रहा है कि इस देश में पॉलिटिकल कल्चर जो है, जो भी आज आप देख रहे हैं अच्छा बुरा, उसकी सारी जिम्मेदारी, उसको सारे पाल पर उसके बड़ा करने की जिम्मेदारी कि इस कांग्रेस पार्टी पर है। इन्होंने कोई काम ऐसा नहीं किया है जो अब नया हो रहा हो। यह बात अलग है कि दूसरे करते हैं तो जनतंत्र टूटता है और हिटलर शाही होती है, और जब ये करते हैं तो वह लोकतंत्र होता है। पूरे देश ने देखा कि किस तरह जब इंदिरा गांधी के खिलाफ जो फैसला आया जजों का, तो उन्होंने कहा मेरे जज, तो जुडिशरी का क्या हाल था। आप देखें इलेक्शन कमीशन का क्या हाल था, आप देखें कैग का क्या हाल था। अब अगर ये कह रहे हैं कि साहब वो सब कुछ हो रहा है, तोड़ा जा रहा है, देश लूट रहा है, तो मैं समझता हूं ये पॉलिटिकल बयानबाजी है। लेकिन वित्त मंत्री अगर ये कह रहे हैं कि अगर उन लोगों को वहां जाके खरीदना होता, अगर खरीदने की बात ही होती, तो मैं समझता हूं कि वो साफ कर दिया उन्होंने कि वो तो किसी से मिले भी नहीं है जो उनके लोग गए हैं। उस आदमी को जिसको उनकी इंक्वायरी करनी थी वो उनके घर ले आए हैं, उसके बाद तो गए नहीं है। लेकिन अब क्योंकि पॉलिटिक्स के अंदर परसेप्शन की बात होती है, तो यहां तक बात तो मैं समझ मानता हूं कि शकील साहब की बात सही हो सकती है कि वो रेड पड़ी और वहां लोग गए और क्योंकि उसी रिजॉर्ट में है और उस रिजॉर्ट में तो खुद वहां की सरकार ने जिस तरीके से इलीगल तरीके से वो जमीन अख्तियार किए उसका पहले ऑर्डर किया। लेकिन ये तमाम बातें पॉलिटिक्स में चलेंगी, परसेप्शन ये जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी अहमद पटेल सोनिया गांधी के पॉलिटिकल एडवाइजर जो हैं उस चाणक को हराने के लिए सारी ताकत लगा रही है, ये पॉलिटिकल परसेप्शन जाएगा। और इसमें कोई मैं समझता हूं कि किसी को वो नहीं हो सकता कि नहीं नहीं ये नहीं जाएगा, ये जाएगा ही जाएगा, तो उसमें कोई नई बात, लेकिन क्या सच्चाई है वो बाद में सबको पता चलेगी। उपेंद्र जी, क्या वाकई में पूरा मसला सिर्फ एक राज्यसभा सीट का है और इसको वाकई में सरकार ने नाक का सवाल बना लिया है, जिस वजह से जो आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है, कैसे आप इसका अध्ययन कर रहे हैं? अब देखिए जिस तरह से सिलेक्टिव इंक्वायरी हो रही है और सबका जो टाइमिंग होता है वही बहुत विचित्र होता है। जैसे तमिलनाडु में जब क्राइसिस चल रहा था AIDMK का और उपचुनाव भी हो रहा था, कोई जहाँ शशिकला खड़ी थी, शशिकला तो नहीं खड़ी हो पाई थी, उनका जो भतीजा वो खड़ा हुआ था, उसी समय छापेमारी हुई। फिर छापेमारी के बाद क्या हुआ अभी तो कुछ पता नहीं, उसमें भी कुछ रुपये पकड़ाए थे, किसी की गिरफ्तार नहीं हुई, कोई मुकदमा नहीं चला, कोई चार्जशीट नहीं हुआ। तो आप छापेमारी करते हैं उसके बाद उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता, तो ये तो एक शक होता है कि भाई आप
जो छापेमारी कर रहे हैं, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आपका कमिटमेंट है कि आप इसकी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये सही बात है कि कांग्रेस के समय में यूपीए के समय में भी घटना घटी थी, लेकिन उसमें ज्यादा घटना इनएक्शन की घटती थी कि आपको जिसे डराना है डरा कर रखिए और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कीजिए, जैसे मायावती के खिलाफ कार्रवाई नहीं कीजिए, मुलायम के खिलाफ कार्रवाई नहीं कीजिए और दोनों का सपोर्ट लीजिए। लालू यादव तो खैर 5 साल तक सत्ता में रहे, उसके बाद भी है आप कार्रवाई नहीं कीजिए, मतलब है कि उसमें है कि इनएक्ट रख करके एजेंसियों को निष्क्रिय रख करके उसका इस्तेमाल किया जा रहा था, अभी है कि सक्रिय करके लगता है इस्तेमाल किया जा रहा है। काफी समय तक निष्क्रिय रही तो यही फासिज्म और डेमोक्रेसी में अंतर है। वो भी गलत है, यही फासिज्म और डेमोक्रेसी में अंतर है। तो अल्लाह ही जाने कौन सा है, उसका वोट लीजिए मायावती का, वो फासिज्म नहीं है, कार्रवाई नहीं की, ये फासिज्म है, वो मक्कारी है, उस मक्कारी को सिर्फ साइड स्टेपिंग है, क्योंकि ये तमिलनाडु कैसे जस्टिफाई ठहराया शब्दों में उसका फॉलो अप देखिए, साइड स्टेपिंग है वो बहुत भयानक है। ये साइड की तमिलनाडु में छापेमारी हुई, कितने मंत्री के यहाँ, 4 मंत्री के यहाँ छापेमारी हुई, उसमें रुपये भी मिले, नए नए नोट मिले, उसमें तो और बहुत ज्यादा डिमोनेटाइजेशन का बहुत ज्यादा दिन हुआ भी नहीं था, एकाएक नए नए नोट कहाँ से आ गए। लेकिन उसके बाद है कि अब AIDMK NDA में शामिल हो रहा है, उनके मंत्रियों के खिलाफ जो छापे पड़े थे उसका क्या हुआ, तो जब अगर छापे पड़ते हैं कार्रवाई होती है उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है, तो ये तो शक होगा कि भाई आप छापे क्यों मार रहे हैं। अब राबड़ी देवी का ही मामला देखिए आप, लालू परिवार का, CBI ने छापा मारा, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई, कार्रवाई तो उसके बाद कुछ होनी चाहिए ना, फिर है कि छापा मार करके आपने छोड़ दिया कि उसका क्या पॉलिटिकल इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट आप वाच कर रहे हैं, अभी भी उसके आगे जो कार्रवाई होनी चाहिए थी कानूनी कार्रवाई छापा मारने के बाद, वो कुछ हुआ नहीं। ये तो जिस तरह से टाइमिंग है, जिस तरह से सही बात है, उसे लग रहा है कि सरकार भ्रष्टाचार पर उतना गंभीर है नहीं जितना दिखाई पड़ती है, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी कार्रवाई की जाए उसको तो मैं तो सही मान रहा हूं, जो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई सही है, लेकिन उसका जो टाइमिंग है या उसको आप फाइनली आप कीजिए ना, आप देखिए हो सकता है इसी में आगे कुछ नहीं होगा, ये भी संभव है कि आने वाले 1 महीने 2 महीने 3 महीने में मालूम होगा कि इस पर कुछ हुआ ही नहीं आगे। ये तो बहुत माखौल है इंक्वायरी का, इन्वेस्टिगेशन का, आप तो इतना भ्रष्टाचार है कि जहां भी हाथ डालिएगा वहीं पर भ्रष्टाचार निकलेगा, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। ठीक, अब हमने सुना था कि डिमोनेटाइजेशन के बाद कितना कितना कितने लोगों को अपने गिरफ्त में ले लिया गया है, कुछ पता नहीं कि कौन लोग गिरफ्त में लिया गया है, अब तो बैंक को ही नहीं पता उसने कितना पैसा निकाला, वो कितने रुपये वापस आ रहे हैं, कितना टैक्स नेट में आया है, क्या क्या आया है, मतलब सब कुछ है कि एक बार हो गया फिर उसका कुछ फॉलो अप नहीं आता है, फिर उसका कुछ जल्द दिखाई नहीं पड़ता है। ये पूरा जो अभी जो सवाल उपेन जी उठा रहे हैं कि उनका कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं टाइमिंग जो है वो कई सारे सवाल खड़े करती है, क्या इन सबके पीछे सिर्फ मंशा भ्रष्टाचार को समाप्त करना है या इसके पीछे मंशा राजनीतिक लाभ लेना या राजनीतिक रूप से डराना भी आपको लग रहा है? नहीं, मुझे लगता है देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है, जो होता क्या है, जो लोग जहां भी कार्रवाई होती है, भारत में हम हर जो तमाम इंस्टीट्यूशन है उसका हमने इस्तेमाल अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए हम करते रहे हैं। हम इतिहास में अगर जो शकील साहब जो बात कह रहे थे, मुझे तभी मैं उस पर हंस रहा था कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर जो सबसे गंभीर आरोप लगे हैं, उन्होंने इस तरह के चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे ED हो, चाहे CBI हो, उनका दुरुपयोग उन्होंने किया है, ऐसा आरोप उनके विरोधी लगातार लगाए हैं। और अगर उसके आप डेप्थ में जाएंगे तो आपको लगेगा कि जो भी कार्रवाई पीछे हुई या तो वो बदले के भावने से हुई या वो राजनीतिक किसी तरह के राजनीतिक अपने एजेंडा को या उसकी पूर्ति के लिए उसका इस्तेमाल हुआ। फ्री एंड फेयर हैंड देके इन इंस्टीट्यूशंस को काम करने के लिए मौका नहीं दिया गया, क्योंकि अगर वो मौका दिया गया होता, लीडरशिप अगर मजबूत होता, ये इंस्टीट्यूशंस अगर मजबूत रखे गए होते, तो शायद भ्रष्टाचार के जो आज मामले इतने सारे हैं, जो बात उपेंद्र जी कह रहे थे, वो स्थिति ही नहीं बनती। यहां पे करप्शन को प्रोटेक्ट किया गया पॉलिटिकली, और ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिसका आज आरोप शकील साहब लगा रहे हैं या कांग्रेस पार्टी के वो कद्दावर नेता लगा रहे हैं राज्यसभा और लोकसभा में, उनको सिर्फ अगर कुछ दिन के पहले का अगर वो वीडियो रिकॉर्डिंग देख लें तो उनको जवाब देते नहीं बन रहा था उस समय लोकसभा और राज्यसभा में, कई बार उनको लगता नहीं था कोई जवाब क्या दे और कैसे जवाब दे। तो कांग्रेस पार्टी अगर भ्रष्टाचार के ऊपर या भ्रष्टाचार के मामले को लेके कोई
किसी तरह का बयान दे तो अटपटा इसलिए लगता है कि आपने तमाम इंस्टीट्यूशंस के दुरुपयोग की शुरुआत आपके समय में हुई और ये आपने उसको लगातार कमजोर किया है। सुप्रीम कोर्ट में जो ऑब्जर्वेशन सीबीआई के बारे में दिए गए उसको मैं रिमाइंड नहीं करना चाहता हूं कि आप उसको रिमाइंड करके देखिए। तो ये सीबीआई, ईडी या इनकम टैक्स के दुरुपयोग का मसला जो है ये सबसे बड़ा कारण है भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का, राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति का और अपने विरोधियों से निपटने के लिए इन संस्थाओं का उपयोग करने का, ये चीजें चलती आ रही है। आज मुझे नहीं पता है कि वेदर बीजेपी इज यूजिंग मिसयूजिंग, क्योंकि अगर उसके अगर आपके पास कुछ है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। यहां कोर्ट में नहीं जाते हैं, यहां पब्लिक में बयान देते हैं, यहां बयान देके एक स्कोर। आज गुजरात में अगर लोगों ने इस्तीफा दिया वहां पे अगर, तो वो किसके कारण से दिया? क्या उसके लिए पैसे दिए गए कि आप इस्तीफा दे दीजिए? और कांग्रेस पार्टी में अगर ऐसे नेता हैं जो पैसे के कारण इस्तीफा दे दें, पैसे के कारण अपना किसी भी पार्टी में, तो ये 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 देने वाला लेने वाला दोनों कानून के अंतर्गत है। कह रहा हूं कि ये जो है ये आप देखिए कि ये इतिहास, इस इतिहास के सियासी इतिहास के पन्नों में जाने से आपको इतने तथ्य मिलेंगे जिन तथ्यों के बारे में आपकी कल्पना शायद कब, मतलब आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि किस तरह से इन संस्थाओं का इन अधिकारियों का इसके चीजों का दुरुपयोग हुआ है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं इस वक्त जो कुछ कांग्रेस पार्टी कह रही है उसके दो पक्ष हैं, एक अपने आप को कवर करने के लिए उनकी जो अपनी खामी है, पॉलिटिकल जो उठापटक है पार्टी में, जिस तरह से पार्टी के नेता, अब समाजवादी पार्टी के नेता छोड़ के चले गए, वो इस्तीफा दे गए, गुजरात में इस्तीफा दे गए, तो पहले तो कांग्रेस पार्टी अपनी जो खामी है, अपनी जो चाहे जिस तरह की भी खामी है, पार्टी जिस तरह से है, पार्टी का स्ट्रक्चर जिस तरह से है, पार्टी की आइडियोलॉजी जिस तरह से है, पार्टी एक कंफ्यूजन के स्तर पे है, पार्टी एक द्वंद के स्तर में है कि किस, क्या बुजुर्गों को हम रखें, क्या हम युवाओं को लाएं, बुजुर्ग और युवा, जैसे दिग्विजय सिंह अभी साइडलाइन हुए, वो भी तो कई तरह के वहां द्वंद है, कई लोग वहां नए आ रहे हैं, नए ब्लड को लाने की बात हो रही है, कई युवाओं को जोड़ा गया है, उनको सचिव बनाया गया है, और जैसा अक्सर ऑफ रिकॉर्ड जिस बात को कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी 2024 की तैयारी में लगी हुई है, तो 2024 की तैयारी में लगी हुई पार्टी के नेता अगर 2019 से पहले कहीं और अपना रास्ता देख रहे हैं तो उसमें कांग्रेस पार्टी का ये आंतरिक स्थिति, जो स्थिति है उसको सुधारने की गुंजाइश है। दूसरी बात जो कह रहे हैं कि वहां पे पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, ईडी का, इनकम टैक्स का, इसका कुछ तो साक्ष्य आपको लेके देश के सामने में आना चाहिए कि देखिए इस तरह से इसका दुरुपयोग हो रहा है। आपके ऊपर भी आरोप लगते थे, आप भी आरोप लगा रहे हैं, इसमें अंतर क्या है? गोहिल ने बयान दिए हैं आज, उन्होंने जो बयान दिया उन्होंने कोई साक्ष्य नहीं दिया, साक्ष्य की बात कर रहे हैं, दिलीप जी साक्ष्य की बात कर रहे हैं। देखिए दिलीप जी ने जो बातें कही हैं, गोहिल अध्यक्ष भी है, वो दिलीप जी को याद करना चाहिए कि यूपीए की फंक्शनिंग और एनडीए की फंक्शनिंग में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है और दिखाई पड़ रहा है, जनता थोड़ी बहुत हंस लीजिए, आप ये कहते हुए आपको हंसी आ रही है, हंस लीजिए, हंस लीजिए, आपको तो सवाल है, आप हंस लीजिए, अगर उनका रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो थोड़ी देर के लिए आप बन जाइए, कोई हमें क्या करना है, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन दिलीप जी जो बोल रहे हैं ना वो एक ठीक है, वो एक जर्नलिस्ट है, उनका जो भी आकलन है वो अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन यूपीए के दौर में इस तरह से नहीं होता था कि सारे एजेंसीज अपना काम ऑलमोस्ट अच्छी तरह से अपने स्वायत्ता के साथ, सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था और जिस ऑब्जर्वेशन के लिए ये पार्टी हंगामा कर रही थी उसने क्या किया, ये ना पूछने, ये तो तीन साल में आप नहीं रहे हैं, ये अच्छी बात है, क्या कर रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था ना, सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था को कहा था, कोई सरकार के ऊपर नहीं कहा था, और ये व्यवस्था जो हंगामा कर रही थी उस तोता को पिंजरे में डालने की क्यों नहीं कोशिश की? भाई मैं कह रहा हूं क्यों तोता खाना चाहते हैं आप, तो ऐसा रख के आप फायदा उठा रहे हैं,
आपकी बात को 100% हम मान भी लें तो आपको जनता ने किस लिए वोट दिया था? इसी काम के लिए दिया था क्या? धोखा दीजिए 15 लाख रुपए आ रहे हैं सबके अकाउंट में जा रहे हैं। शकील भाई जनता पूछ लेगी ना, आपका पूरा वक्त मिलता है तो हम कुछ नहीं बोलते। जनता पूछ लेगी ना? नहीं, जनता पूछेगी तो जनता के रिप्रेजेंटेटिव हम पूछ रहे हैं, इसमें क्या रखा हुआ है? आप आकलन कर सकते हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, वी आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। हमको बोलना है जनता के भी हाथ में कि जनता अच्छी तरह से सबक सिखाएगी, लेकिन जनता तो सिखाएगी, जनता को बताना पड़ेगा। और जनता ये सोच रही थी, समझ रही थी चुनाव के पहले जिस तरह से इनकी कार्रवाई चल रही थी, जिस तरह से ये कह रहे थे, और वही जो शक था वो शक पूरा हो रहा है कि ये मुल्क अब सीधा डेमोक्रेसी खतरे में है, एक नई दिशा में ले जाने की कोशिश की जा रही है। आपके विधायक ये लोकतंत्र खतरे में कहां से आ जाता है? मैंने कहा ना, ये लोकतंत्र से ज्यादा क्या है? पार्टी का एक एमपी किसी पार्टी का इलेक्ट नहीं हो, जहां एक पार्टी का अध्यक्ष जाता है वहां किसी तरह से रातों रात तोड़ लेता है, एमएलए एमएलसी तोड़ने की कोशिश करता है, और ये स्वच्छ डेमोक्रेसी पर खतरा नहीं है? और जब डेमोक्रेसी स्वच्छ डेमोक्रेसी पर खतरा है, इस मुल्क पर खतरा है, आपकी पार्टी डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। शकील साहब, शकील साहब, गरीब फरोख्त जो कर रहे हैं उनकी खतरा है। नहीं, आप चुनिए, आप 3 महीने 13 में है नहीं, आप शकील साहब, आपको सिर्फ एजेंट चलाना है। आपके पार्टी के नेता छोड़ के जा रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं, दूसरे पार्टी के नेता, इसीलिए तो दे रहे हैं, जो काम ये कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमकी देते हैं, कभी ईडी की धमकी देते हैं, कभी एनफोर्समेंट की धमकी देते हैं। सवाल तो सुनिए, मैं आपसे भी एक सवाल पूछना चाहता हूँ, एक सुनील चोपड़ा साहब से भी पूछना चाहता हूँ, और ये आपसे सवाल ये है कि आपके पार्टी के नेता छोड़ के जा रहे हैं, वो इस्तीफा दे रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, जहां आपके पार्टी में लोकतंत्र की क्या स्थिति है, कौन चुने हुए अध्यक्ष हैं, कौन उपाध्यक्ष हैं, इसके बारे में मैं नहीं कहना चाहता, क्योंकि वो पूरा इलेक्टोरल सिस्टम है, वो एक अलग मसला है, वो इलेक्शन कैसे होता है मैं नहीं आप बिल्कुल बोलिए, उसका प्रतिकार का गलत बोलू तो आप बोलिए उस पर। मेरा निवेदन है कि मैं कुछ गलत, अगर तथ्य कोई भी पॉलिटिकल पार्टी विदाउट इलेक्शन नहीं है, सवाल सुन लीजिए मैं आपसे, तो ये जो लोकतंत्र खतरे में आता है, आपके पार्टी के आंतरिक जो लोकतंत्र है, आपके पार्टी के अंदर में जो खामियां हैं, उसको दूर करने के बजाय आप अगर देश को एक खतरा में बताइए, तो क्या उससे आपके पार्टी के जो आंतरिक स्थिति है वो ठीक हो जाएगी? नंबर एक। नंबर दो, सुनील चोपड़ा जी कह रहे हैं 15 लाख 15 करोड़, मैं पूछना चाहता हूं कि इन्होंने ही आपके सरकार, मनमोहन सिंह सरकार, जब न्यूक्लियर डील पे बात हुई थी, तो उस समय जो पैसे लिए गए थे, दिए गए थे, वो क्या था? सुनील चोपड़ा जी, क्या आप एक्सप्लेन कर पाएंगे आज? वो सवाल ये है, सवाल ये है कि ये दोनों पार्टियां आ गए, अब आ गए, ये दोनों पार्टियां पैसे से खेलती है, लेकिन बीजेपी आरएसएस द्वारा चलती है, जो ना इनकम टैक्स आती है ना उसका कोई आधार है जनतंत्र में। ये लोगों ने मुसलीनी से इन्होंने सीखा है, पहले आप मुसलीनी से सीखने गए, उसकी यूनिफॉर्म पहन के अंतर है। अरे ये बड़ा भारी अंतर है, ये आरएसएस का आदमी है, आरएसएस का सामाजिक आधार क्या है हिंदुस्तान में, जनतांत्रिक आधार क्या है? सामाजिक का सामाजिक आपको चाइना देता है तो इनका तो परिवार हिंदुस्तान में, आपका तो चाइना में, आपको अमेरिका देता है, और जो भी कोई कर्जा आपको दे सकता है किसी भी तरीके से दे रहा है, आप तो झूठिए चाट चाट के ट्रंप की पैसा खाते हैं। कांग्रेस पार्टी का बयान लोकतंत्र खतरे में है सही है, जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हर बात पे कहता है इस्लाम खतरे में है, जैसी कोई बात को इस्लाम खतरे में है, ये कांग्रेस पार्टी ने कहा लोकतंत्र खतरे में है। इस लोकतंत्र की धज्जियां इस 70 साल में जितनी इस पार्टी ने उड़ाई है वो किसी ने नहीं उड़ाई। मैं बार बार कह रहा हूं, जो भी कल्चर है चाहे वो किसी भी पार्टी में, सारा कल्चर पॉलिटिकल इस देश में कांग्रेस पार्टी ने दिया है। तो ये अपने दौर को तो महान बताते हैं, जब उनसे पूछो कि तमाम मामला क्या हुआ तो वो फासिज्म आरएसएस वो तमाम सारी बातें करने आ जाते हैं। जब वो यूपीए के साथ बैठे मलाई खा रहे थे तब उनको समझ नहीं आ रहा था कि सरकार कैसे बच रही है, नरसिम्हा राव खुले होकर पैसे बांट रहा था, एमपी खरीदे सरकार बचाई, तब ये कहते हैं नहीं वो दिए नहीं गए थे वो लिए गए थे। तो ये तमाम
तमाम अजीबोगरीब बातें हैं कि टीएमसी के लोग जो है वो त्रिपुरा में छोड़ के चले गए, बीजेपी वो समाजवादी पार्टी में एक मोहम्मद बुकल नवाब साहब है वो ऐसे गाली देते थे राम भक्त और उसके लिए अब वो जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं और आपको शाम को पता चला बीजेपी में गले में पट्टा डाल के बैठे हुए। तो किसको सुविधा सत्ता की और ये वैचारिक जो इन्होंने मुखौटा लगा रखा है, अगर कांग्रेस पार्टी सेकुलरिज्म का इतना दावा ठोकती है तो क्यों इनके लोग 10 करोड़ में बिक रहे हैं? इनको तो करोड़ों क्या पूरा देश भी कोई दे दे तब भी नहीं बिकना चाहिए, इनकी आइडियोलॉजी इतनी मजबूत है, लेकिन आइडियोलॉजी जो है 10 करोड़ में बिक जाती है, कहीं एक मंत्री पद के लिए बिक जाती है तो उस पर तो कहेंगे नहीं और उस पर कहेंगे आरएसएस बीजेपी और वो ढपली दूसरी बजाएंगे, वो फासिज्म पे चले जाते हैं। शकील साहब ये सवाल तो है, लोग तमाम लोग कह रहे हैं कि ठीक है आप बीजेपी पर खरीद फरोख्त का आरोप लगा रहे हैं, बिक तो आपके यहाँ आइडियोलॉजी तो इनकी इतनी मजबूत है क्यों बिकते हैं ये? मतलब ऐसे लोग ऐसे लोगों को रखते क्यों? लोग जो जिनको आपने मुख्यमंत्री बना दिया वो भी बिक गया। आप बताएं इन्होंने बाघेला को क्यों लिया था? बाघेला आरएसएस का था, क्यों लिया आरएसएस को? जो इसलिए लिया ने जिनको अब चला गया छोड़ के तो आप कहते हैं मोदी ने खरीद रहे प्रदेश का अध्यक्ष बनाया वो बिक गए। तो ये कितने लोग आपके यहाँ, तो हर इतने बड़े बड़े लोग बिक रहे हैं, तो इसका मतलब आपके यहाँ बिकाऊ लोग हैं वो लोग विचारधारा के लोग नहीं है। देखिये विचारधारा और बिकाऊ की जो बात कर रहे हैं, इस देश के अंदर डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में हर आदमी को आजादी के साथ रहने का हर हक है, लेकिन ये बातें आइडियोलॉजिकल अगर कोई आदमी एक पार्टी को छोड़ता है आइडियोलॉजिकल बात ज्वाइन करता है जाता है ठीक है, लेकिन सवाल पैदा होता है कि ये तीसरा जो शक्ति शासन की शक्ति है, ये शासन की शक्ति अगर किसी को धमकी आइडियोलॉजिकल आदमी कितनी भी मजबूत हो मजबूत जो रहेगा वो रहेगा, इसको हम मानते हैं आपकी बात, लेकिन आज आइडियोलॉजी का कभी ना कहीं फुकदान हर पार्टियों में कोई कांग्रेस में या इसमें नहीं है, लेकिन जिस तरह नहीं हमारे यहां नहीं उनके यहां से टूट के तो आए थे आज चले गए, अब किस प्लानिंग के तहत आए थे 100 गाली पानी पी 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 के आए थे आज वो साजिश रच रहे हैं, आज ये उससे कोई पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन शासन का जो दुरुपयोग बीजेपी की सरकार में हो रहा है एनडीए की सरकार में हो रहा है राज्य सरकारों में हो रहा है, जिस तरह से पूरी जनता को टेररिज करने की बात चल रही है वो चल रहा है 19 का ये थीमा है कि 19 में कोई वोट भी इनके खिलाफ देने की हिम्मत नहीं करे, ये एक साजिश है जिसका मुकाबला किया जाएगा और हिंदुस्तान की जनता डेमोक्रेटिक जनता है तो इनको पूरी तरह से परास्त करेगी। आप गुमराह थोड़ी देर के लिए कोई आदमी हो सकता है ज्यादा देर के नहीं, ये भी आने वाले दिनों में ये जर्नलिस्ट सही बात कहेंगे हमको, आज इनको लग रहा है कि सही बात नहीं है लेकिन जब ये जानकारी ले लेंगे सच्चाई क्या है जब इनके आंख से एक चश्मे उतरेंगे ये पता लग जाए देश की इतने करोड़ जनता ने सच्चाई नहीं दिखाई ने सिंह रावत सुबोध उनियाल ये तमाम लोग जो मंत्री थे विजय बहुगुणा जो मुख्यमंत्री रह चुके थे वो चले गए ये तमाम लोग कितने करोड़ चले गए यही तो प्रूफ है सबको एक पार्टी ने लेके और उनको क्यों बिके पार्टी है ना जो इस मुल्क में आइडियोलॉजी का सत्यानाश करने के लिए लगी हुई है और इनको ला के सबको मिनिस्टर बना के ये सिद्ध कर लिया कि पार्टी जो है सबसे इस देश में डेमोक्रेसी कर्न चलने नहीं तो देना चाहिए। वो तो पहले भी मिनिस्टर थे ना वो अभी मिनिस्टर नहीं नहीं बने ये नहीं बने ना उनको लाया क्यों यही प्रूफ देता है खुशी है कि बीजेपी ने सारा करोड़ का पूरा कपाल चौराहे बिक रहा है अब वो अपने आप बिक रहा है तमिलनाडु में बिक रहा है हर चौराहे पे सेकुलरिज्म बिक रहा है। विपुल 2014 में चुनाव हुए लोकसभा आम चुनाव हुए और उसके बाद कई विधानसभा चुनाव हुए हैं और आखिरी हमने उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में देखा है तो लोकतंत्र तो यहाँ मजबूत है और लोकतंत्र में जिन नेताओं को लगता है लोग वोट देते हैं ये तंत्र की बात कर रहे हैं लोक वाला जो वोट है तंत्र है वो तो मजबूत है। अब नेताओं को कई बार लगता है कि कहां जाके वो जीत सकते हैं कहां जाके वो मंत्री बन सकते हैं कहां जाके वो विधायक बन सकते हैं कहां जाके उन्हें सत्ता मिल सकती है तो जो सत्ता ललुपता है नेता की और कांग्रेस पार्टी में अगर सत्ता नहीं हो तो क्या स्थिति होती है ये नजारा उस चीज का है। यहां से जो लोग भाग रहे हैं और दूसरे जगह जा रहे हैं जो कह रहे हैं कि नेता मंत्री बनाते हैं अरे मंत्री तो बनाते ही हैं वो गए थे किस लिए मंत्री बनने के लिए गए थे विधायक बनने के लिए गए थे एमपी बनने के लिए गए थे कई लोग टिकट पाने के लिए जाते हैं कई लोग अपने आगे भविष्य देख के जाते हैं
तो भारतीय राजनीति तो बता रहे हैं 15-15 करोड़ भारतीय राजनेताओं में मेरा ये है कि लोकतंत्र तो ठीक चल रहा है, ये जो तमाम अटैक जो इस वक्त ये चल ठीक नहीं रहा है। नहीं नहीं भाई, आप सुन तो ले, आपने आप कह रहे थे, मैं सुन रहा था। नहीं नहीं, आप बोल रहे थे, मैं कहां बोल रहा था, मैं कह रहा हूं असल में हुआ क्या है कि इस जहां लोकतंत्र नहीं है जिन दलों में, उन दलों के लिए वाकई चुनौती है, और वहां पे ये नेता अब उन्हें लगता है कि ये जो परिवारवाद वाली सियासत थी उसका अट्रैक्शन या उसका इम्पैक्ट जो है, शायद अभी मैं ये पूरी तौर से मुकम्मल नहीं कह सकता कि नहीं ऐसा हो गया है, लेकिन मुझे लगता है कि परिवारवाद वाली जो सियासत है उसका असर कम हो रहा है, और वहां से लोग धीरे धीरे निकल के ग्रीन पास्चर, मैं ये बात मानता हूं कि ये लोग जा रहे हैं तो सत्ता के लिए जा रहे हैं, पैसे के लिए वापस भी आएंगे, ये भी सत्ता के लिए वापस भी आते हैं, ऐसा कोई नई बात नहीं है, लेकिन आप ही सेकुलर हो, बिहार में मोदी के रथ को रोका था, उसके मुखिया किस तरह से आके कह रहे हैं कि उनके उनके सामने कोई किसी में क्षमता नहीं है मोदी का मुकाबला करने की। तो ये देखिए कि किस तरह से ये लोग बदलते हैं। तो जिस परिवारवादी वंशवादी सियासत को लोग अब वहां पे लोकतंत्र की असल जड़ खतरा कहीं से है, तो परिवारवादी और डायनेस्टिक पॉलिटिक्स से रहा है इस देश में, कास्ट पॉलिटिक्स से रहा है, ये चीजें धीरे धीरे लोगों को जहां पे दिखता है कि चलिए यहां कमजोर है, यहां सत्ता नहीं मिल सकती है, तो लोग दूसरे तरफ रुख करते हैं। तो मुझे उसमें शकील साहब को अगर अपने पार्टी के अंदरूनी लोकतंत्र की परवाह नहीं है, अपनी पार्टी की परवाह नहीं है, देश की लोकतंत्र की परवाह है, ये बहुत अच्छी बात है, मैं उसका स्वागत करता हूं, कि उनको परवाह होनी चाहिए, उनको बिल्कुल उनके 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 तमाम जो कंसर्न है उसको मैं स्वीकार करते हुए सिर्फ ये सवाल पूछना चाहता हूं कि जो पार्टी मजबूत है बीजेडी से नहीं क्यों जा रहा है आज कोई, ममता बनर्जी के पार्टी से क्यों नहीं जा रहा है, वो वहां पे भी नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी से कोई क्यों नहीं जा रहा है, पार्टी से वो क्यों नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है, इनके यहां तो सबसे बेचारे जो है, तो जो भी है मतलब कभी भी उन्होंने करोड़ रुपए नहीं देखा होगा, आपने जो सत्ता की जो खून मुंह को चटाए हुए है अब उनको लगता है यहाँ कुछ है नहीं, भागो, तो भगदड़ उस कारण से मची हुई है, आप इसका आरोप जिसके ऊपर मचा लगाना हो आप लगा सकते हैं। चले इसी बात पे एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं, ब्रेक के बाद आप चूंकि समय कम बचा है दूसरे विषय पर चर्चा करते हैं, छोटे से ब्रेक के बाद। घटना चक्र में ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है, तमाम खास मेहमान बने हुए हैं, अब बात करेंगे आज के दूसरे मुद्दे की, और दूसरा मुद्दा है चीन, जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। आपको बता दें कि बुधवार को अब जो है 15 पेज का बकायदा एक बयान जारी किया गया है, कुछ तस्वीरें जारी की गई हैं, और ये कहा गया कि 400 भारतीय सैनिक चीन की टेरिटरी में घुसे, बुलडोजर, दो दो बुलडोजर लेके घुसे हैं, ये तमाम तस्वीरें जो है, तमाम तस्वीरों के साथ, ये साक्ष्य के साथ बाकायदा ये बयान जारी किया गया है चीन की तरफ से। उन्होंने कहा कि बिना किसी शर्त के भारत को अपनी सेनाओं को पीछे हटा लेना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि भारत भूटान के को एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। चीन ने यह भी कहा कि अगर चीन और भूटान के बीच में कोई विवाद है तो उन दो विवादों को, दोनों देशों के बीच उस विवाद को रहना चाहिए, तीसरे देश को उसमें इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं है। और बाकी हम आपको पहले ही बता चुके हैं 1890 से लेकर के तमाम चीज़ों का जिक्र आज के इस स्टेटमेंट में किया गया है, और एक बार फिर से कहा यह गया कि अगर भारत कोई भी देश संप्रभुता पर हमला करने की कोशिश करेगा तो फिर चीन की सेना उसका जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इस बयान को किस तरीके से देखें, क्या आप चीन चाहता है कि इस बात पर ज़्यादा विवाद ना हो, एक अपने यहाँ के लोगों को एक मैसेज दे करके वो चाहता है भारत आसानी से अपनी सेना पीछे हटा ले, क्या कुछ इसके पहलू हैं, इस पर बातचीत करते हैं। पहले टपरी उपेन जी, आपसे कैसे देख रहे हैं आज के स्टेटमेंट को, ये जो 15 पन्नों का बयान आया है। देखिए वहाँ नवंबर महीने में कम्युनिस्ट पार्टी की का सम्मेलन होना है, जिसमें इनका जो जनरल सेक्रेटरी भी है कम्युनिस्ट पार्टी के, वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं जिनपिंग, तो ये दोबारा इनको रिन्यूअल होना है, चाह रहे हैं कि हम दोबारा 5 साल के लिए और रिन्यू हो जाएं, और ऐसा आमतौर पर होता नहीं है कम्युनिस्ट पार्टी में, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी में एक टर्म के बाद
वो पोस्ट छोड़ देते हैं। हालांकि राष्ट्रपति भी हैं, उसके साथ वहां का जो सेना है उसके हेड कमांडर भी हैं, चीफ कमांडर भी हैं, वो भी बहुत बड़ा पद होता है, जनरल सेक्रेटरी से भी और प्रेसिडेंट से भी ऊपर का होता है। तो ये फंस गए हैं बुरी तरह से चीन की जनता के बीच में कि अगर वहां ये नहीं कर पाते हैं तो इनका दोबारा री इलेक्शन होना मुश्किल हो जाएगा। तो ये उनका एक इंटरनल इनका प्रॉब्लम है, पर्सनल प्रॉब्लम है। और दूसरा है कि चीन जिस तरह से भारत के खिलाफ पहले कार्रवाई करता था, बहुत जगह भारत के जो क्षेत्र है उसमें इनक्रोच कर चुका है, सक्षम वैली है वो ले लिया है उससे, अक्षय चीन में भी उसने किया, सड़कें बना ली है, प्रधानमंत्री जब नेहरू थे उसमें भी कर लिया था। तो अब है कि अब चीन है जो पहली बार जवाब दिया है कि हम आपको नहीं बनाने देंगे, तो इसके बाद वो खतरा लग रहा है कि जो कश्मीर ऑक्यूपाइड पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है जहां उसको कॉरिडोर बनाना है, इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाना है, उसको लग रहा है कि भारत भी कहीं इंटरफेयर करके वहां भी किसी तरह का इंटरफेयर ना करे रोकने के लिए कंस्ट्रक्शन को, क्योंकि जो रोड कंस्ट्रक्शन है वो सिर्फ भारत पाकिस्तान या चीन का मामला नहीं है, उस पर दुनिया की जो महाशक्ति है उसकी नज़र भी है, यूरोप की नज़र है, अमेरिका की भी नज़र है, अमेरिका यूरोप ये सब कंट्रीज भी नहीं चाहेंगे कि वो कॉरिडोर बनाए, क्योंकि अगर कॉरिडोर बन गया तो ये अरब सागर तक उसकी लैंड से पहुंच हो जाएगी, जमीन से पहुंच हो जाएगी। तो यहां भी जो भूटान का मामला हो रहा है वो उसका संबंध इकोनॉमिक कॉरिडोर से भी है और इनका जो री इलेक्शन है जनरल सेक्रेटरी का जो उससे है, तो ये उनकी प्रतिष्ठा का भी विषय है, उनकी पॉलिटिक्स का संबंध है। तो किसी तरह से इसे निकलना चाह रहे हैं कि कैसे करके किसी तरह से निकले, हो सकता है एक अच्छा तरीका होगा कि भूटान और चीन आपस में बात कर ले और बात करके वो अपना चीन विदड्रॉ कर ले, ठीक, जब चीन विदड्रॉ कर लेगा फिर भारत विदड्रॉ कर लेगा, तो कोई रास्ता पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और उसके पहले जितना भी साइकोलॉजिकल वार है, धमकी देना, दबाव डालना, वो सब कर रहे हैं, लेकिन वो इंडिया पर वो काम ही नहीं कर रहा है, क्योंकि हमें लगता है कि इंडिया एक कंट्री के रूप में मान लिया है कि अगर युद्ध होगा तो होगा, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे, बहुत पीछे हटेंगे। चले चले, चोपड़ा साहब आपसे जानना चाहेंगे, अब ये 16 जून के बाद से लगातार स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट और तमाम अखबारों के जरिए जो तमाम बातें कही जा रही थी और आज अब जो है जो 15 पेजों का ये बयान आया है, ये मान के चलें कि चीन को अब लग रहा है कि वो इस वक्त जो है भारत के ऊपर जितना भी उसने साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाया था बना लिया, अब वो बीच से वहां से निकलने का और इस मामले को शांतिपूर्वक हल करने का रास्ता ढूंढ रहा है। चाइना ने लगातार यही किया, प्रयास किया है कि शांतिपूर्वक तरीके से शांतिपूर्वक पुल तक आ गए थे चाइनीज वापस चले गए, वहां पर वो बता रहे हैं हमारे पास ये सेना, तो इतिहास में हमारी हमारी सेना, लेकिन सवाल है कि हमारी सेना के पास 10 दिन से ज्यादा लड़ने के हथियार नहीं है, तो हम भी इस तरह से हम भी वही चीज कर रहे हैं, दोनों तरफ से ढोल बज रहा है, शांति रहेगी क्योंकि हिंदुस्तान और चीन को लड़ने में दोनों को फायदा नहीं का स्टेटमेंट दोनों को फायदा नहीं है, स्टेटमेंट जो भी हो स्टेटमेंट होते हैं तो फिर जनरल इम्पैक्ट के लिए, जनरल इम्पैक्ट। और यहाँ पर चाइना का बॉर्डर हमारा सबसे पीसफुल बॉर्डर रहा है और आगे भी रहेगा, नहीं 62 में तो पीसफुल नहीं रहा, उसके बाद भी लगातार चाइना की तरफ से कोशिश होती रही, क्या होती रही, इस बार से वापस चले गए, बैठ नहीं जा सकते थे इजराइल की तरह, भारत ने एक स्टैंड ले लिया है कि यहाँ पे आप सड़क नहीं बना सकते हैं और अब चाइना को उससे तकलीफ हो रही है, उन्होंने वो तकलीफ दी एक दो बार, चाइना को इंडिया चाइना ने इंडिया को तकलीफ दी कि आप यहाँ से हटो, तो देख लेंगे क्या होता है और क्या, बातें होती रहेंगी और कुछ नहीं होगा। लेकिन ये चीन की तरफ से जो स्टैंड अभी तक लिया गया, एक धमकाने की कोशिश जो की जा रही थी, हिंदुस्तान धमकाता कम है, बिना ताकत के धमका रहे हैं, 10 दिन के हथियार नहीं है और वहां जाके भूटान के सामने खड़े हैं, दलाली का लेवल ये है लोगों की, ये बताइए, देख लो इनको, देश को खतरे में डाल रहे हैं। चोपड़ा साहब आप ये बताइए, भारत और चीन की आप तुलना कर रहे हैं कि भारत धमकाता है तिब्बत से लेकर के, और तमाम उदाहरण ऐसे हैं जहां पर तिब्बत लगातार चीन का पार्ट रहा है, भारत ने माना है, किसने माना है, भारत ने माना है, भूटान किसका पार्ट है, भूटान नहीं है, हाँ तिब्बत है, तिब्बत है, लगातार जो जिस तरीके से चीन एक के बाद एक तमाम एक के बाद एक नहीं चले तिब्बत पे छोड़ने माना है, देश चाइना का पार्ट है, चाइना के दलालों से आप ट्रीटी है, इंटरनेशनल देश के सरकार और चाइना के दलाल इस पर बैठे हुए हैं, चोपड़ा साहब समय पर आप रहेंगे जो तमाम आंकड़े, अरे आप सब चले जाएंगे, ये देश का गृह मंत्री को बंद करो, नाम सब बदलकर दलाल बता देंगे, अंदर से आप बेटे रहते चाइना के, ये कुछ भी वक्त एक अंदर से आरएसएस के चमचे टेलीविजन पे आकर चाइना की दलाली झूठ एजेंट है, तुम्हें झूठी
बनने की आदत है, भारत की सेना के बारे में बताते हैं, ये चाइना के स्टॉक पर बन जाते हैं, इन दलालों को आप बुलाते हैं। हमारे देश को शांति चाहिए, हम उसके लिए लड़ेंगे। जब चाइना की बात आती है तो इन दलालों को शांति चाहिए होती है, जब लगातार चाहे पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो चाहे श्रीलंका हो, हमें शांति चाहिए। हिंदुस्तान की जनता को नहीं मरना चाहिए। चाइना के टुकड़े होंगे शांति नहीं मिलेगी, और चाइना के दलाल हिंदुस्तान में होंगे वो खत्म नहीं होगी, शांति नहीं हो सकती। तो वो क्या करेंगे, चाइना से पैसा आता है, जर्मनी इतना भी समझ जाओ, केले पहले केजीबी के बात कर दिया, दलाल है और पेड एजेंट है, आप पेड एजेंट है चाइना के दलाल, आप चाइना के दलाल और देश के गद्दार के पेड एजेंट हो, गद्दार है, गद्दार आप, गद्दार है। चले ठीक है दिलीप जी, गाली देने से कोई लड़ाई नहीं होती है। चोपड़ा साहब, चोपड़ा साहब, आज आपका जो स्टैंड है वो उससे मैं समझ नहीं पा रहा था, कह रहे थे कि चीन जो है शांति चाहता है, बिल्कुल चाहता, ये बिल्कुल बेबुनियाद है, बिल्कुल चाहता। और चीन की जो हरकत लगातार 62 के बाद, ये सच्चाई है कि चीन युद्ध नहीं हुआ है, लेकिन चीन सेंटीमीटर और मीटर और किलोमीटर तक हड़पते रहा है लगातार, और कई ऐसे इलाके हैं जहां चीन ने इसी कारण से लगातार दबदबा बनाया है। तो ये कहना बिल्कुल तथ्यात्मक रूप से गलत बात है, तो बात चोपड़ा साहब कह रहे हैं कि चीन ने, हमारी आर्मी कह रही है, मैं नहीं कह रहा, हमारी फौज कह रही है, नहीं कह रहा, आप ही को सुनाई देता है, मैं फैक्ट्स ही बता रहा हूं। और दूसरी बात यह है कि चाइना का जो एक्सपेंशन पॉलिसी है इस वक्त वर्ल्ड वाइड, जिस तरह से लगातार उसके एक पड़ोसी, चाहे वो साउथ कोरिया हो, चाहे ताइवान हो, चाहे जापान हो, तमाम पड़ोसी चाइनीज अग्रेशन आक्रामकता के कारण परेशान है, वो तमाम लोग उससे पीड़ित हैं। आज चाइना की कोशिश ये है कि दुनिया के पाकिस्तान से लेकर अलग अलग जगह जो उनकी रणनीतिक जो एक्सपेंशन है, ये जो तमाम वहां पे हमारे यहाँ पे भी हो रहा है, उसके पीछे भी कारण वही है। चाइना भारत को आगे बढ़ते हुए देखने में थोड़े चाइना को मुश्किल है, और पहली बार भी मुश्किल है, पहली बार नहीं, बिल्कुल नहीं, भारत को भी मुश्किल है, बिल्कुल ये जो पेड़ होते हैं ना, ये कैसे आग लगते हैं इनको, दोनों को ये सुनिश्चित, दोनों को शांति रखनी पड़ेगी, वो बिल्कुल गलत है। जहाँ चाइना फंसता है दोनों को शांति रखना चाहिए। भारत नॉन एग्रेसिव पॉलिसी लिया हुआ है लगातार, होना भी चाहिए, चाइना का एग्रेसिव पॉलिसी है शुरू से, और चाइना उसी एग्रेसिव पॉलिसी के आधार पे, आप देखिए भूटान की टेरिटरी में कैसे है, फिर एग्रेसिव पॉलिसी नहीं है, भूटान के साथ समझौता है, चोपड़ा साहब आपको पढ़े लिखे हैं, वो चाइना लिए जरूरी है। और इस बार पहली बार चाइना को अंतर्राष्ट्रीय देशों का, मीडिया का, किसी का समर्थन नहीं मिल रहा है। पहली बार यहाँ पे जो खित्ते में जो छोटे मुल्क हैं, उनको भी लगता है कि चाइना ने एक छोटे मुल्क के टेरिटरी में जाके वहां पे बुलडोज करने की कोशिश की है, और तमाम भारत के साथ ये लोग हैं, क्योंकि भारत ने अपने एक छोटे से नेबर के साथ खड़े होके एक नैतिकता, जो नैतिक बल होता है, उसका परिचय दिया है। और चाइना की बौखलाहट उसी से ज्यादा है कि फर्स्ट टाइम इंडियन मॉरल विक्ट्री जो है चाइना के ऊपर साफ चाइनीज को दिख रहा है। ऐसा नहीं, सेकंड में मैं चाहूंगा, नैतिकता की बात होती तो कश्मीर में नैतिकता दिखाते, कश्मीर में नैतिकता बंद करिए चोपड़ा साहब। अरे भाई, बात यह है कि सबसे पहले चोपड़ा जी आपको जानकारी हो जानी चाहिए कि हमारा एग्रीमेंट है, डिफेंस हम देखते हैं, इसलिए हमारी फौज तो वहां डोकलाम में पहुंचेगी ही, नहीं पहुंचने का कोई, अगर हम नहीं पहुंचते हैं इसका मतलब यह है कि हम अपनी ड्यूटी और अपने टीटी को नहीं निभा पा रहे हैं। ये टीटी है नहीं जी, के साथ जो टीटी है उसको निभाएंगे, एक दूसरे चाय चीन जो पूरी दुनिया में अपने हर धर्मी पर कायम है, इस खित्ता में सबसे बड़ा उसको मुकाबला इंडिया से है, इसलिए वो छेड़छाड़ कर रहा है, लेकिन तो इस बार छेड़छाड़ का नतीजा उसके पक्ष में नहीं जाने वाला है, ना जाए, क्या फर्क पड़ता है। ये जो बयान आया है 15 पेज का, और उसमें जो उन्होंने कहा है कि भारत के 400 फौजी जो है चीन में घुसे हैं,
ये स्टेटमेंट से ये पता चलता है कि वो जितनी भी झूठ फरेब सुबह से लेकर शाम तक वो जो कर रहा था, चेतावनी, धमकी, ग्लोबल टाइम, पीपल्स टाइम, और जो उसके एजेंट थे हिंदुस्तान में, उनके माध्यम से जो हिंदुस्तान के माहौल को बिगाड़ने के लिए कि यहां हिंदू राष्ट्र बन रहा है, ये तमाम चीजें फेल होना उसका साबित करता है कि चाइना ये मान रहा है कि ये 62 का हिंदुस्तान नहीं है। भारत ने अपनी फौज उस देश के साथ उतारी है जिस देश की उसको रक्षा करनी है। मुझे लगता है एक चीज मैं कहना चाहता कि चाइना की तरफ से एक दावा किया गया कि भारत जो है अपने फोर्स को वहां थिन कर रहा है, कम कर रहा है, वापस ले रहा है, और भारत के तरफ से यह साफ कह दिया गया है कि हमारे पोजीशन में किसी भी तरह की कोई भी, वो वैसे ही झूठ बोलता है जैसे हमने किसी भी तरह का कोई भी विड्रॉल या किसी भी तरह का थिनिंग हमने नहीं किया है, हमारा पोजीशन सेम है। मैं जो कह रहा था, जो पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं कि फर्स्ट टाइम फॉर एवर चाइना हैज लॉस्ट इट्स मॉरल राइट, नैतिकता, एक छोटे से राष्ट्र के टेरिटरी में आप घुस के जो आपने काम किए उसको भारत ने रोका है, इस चीज से चाइना ज्यादा बौखलाया हुआ है और उसी चीज को चाइना को चाहिए एक 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 ऐसा उनको रास्ता चाहिए जिसमें उनकी उनका फेस सेविंग के लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं, फेस सेविंग जिसको कहते हैं, एक उसके रास्ता ढूंढ रहे हैं और इसीलिए लगातार आक्रामकता उनकी बनी हुई है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जी आपका, चोपड़ा साहब आपका, उपेंद्र जी आपका, शकील साहब आपका, पुष्पेंद्र जी आपका। घटना चक्र में इतना ही, आप देखते रहिए जैन टीवी। नमस्कार।